तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप YouTube पे काफी सारे जो है चीज यहाँ पे सीख सकते हो। तो अगर ये आप देख सकते हो, एक YouTube का यहाँ पे एक वीडियो है जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो इन डिफेंस टी सीरीज सॉन्ग। तो ये वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते, कुछ स्पेसिफिक टाइम में से देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे हम अभी आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर जो YouTube के ऊपर जो URL है, यहाँ पे इस URL पे आपको ऐसे लिखना है, आपको यहाँ पे बिठाना है एंड बिठाना है, उसके बाद बिठाना है आपको टी लेटर को यहाँ पे बिछाना है। उसके बाद आपको जो इक्वल चिन्ह है, इक्वल जो सैम्बल है उसको यहाँ पे ऐसे बिठाना है, इक्वल सैम्बल को ऐसे बिठाना है। उसके बाद आप कहाँ से वीडियो को शुरू करना चाहते हो, तो आप जो है वीडियो को एक मिनट, तो 1 m करके लिख दो, एक मिनट और जो है 40 सेकंड से शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे 40 लिख दो ऐसे 40s। तो इससे करते हैं जो अब एंटर कर दो तो वीडियो सीधा जो है 1 मिनट 40 सेकंड से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, ये आप देख सकते हो वीडियो सीधा 1 मिनट 40 सेकंड से शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हो अभी, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो वीडियो को मतलब स्किप कर सकते हो, अगर आपको कोई अननेसेसरी जो है चीजें नहीं देखना है तो आप वहां से जाके वीडियो को ऐसे देख सकते हो। दूसरा ट्रिक आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप सोच लो वीडियो को शुरू करते हो और आपको जो है मतलब कौन से पोर्शन से वीडियो को देखना है, मतलब कौन से पार्ट से वीडियो देखना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। सीधा आप जो है लैपटॉप के माउस को जो है पीसी के माउस को या फिर लैपटॉप के माउस को यहाँ पे फोल्ड करें और जो लेफ्ट की को दबा के सीधा ऐसे लेके आए। जी हाँ दोस्तों, आप सीधा ऐसे लेके आने पर जो है आप यहाँ पे जो है वीडियो का जो पोर्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक सिस्टम है, आप जो है इस तरीके से जो है देख सकते हो, मतलब कौन से पार्ट से वीडियो देखना चाहते हो, तो वो एक अनोखा सिस्टम है। यहाँ से आप देख सकते हो कि वीडियो का आप यहाँ से देखना चाहते हो। तो ये हो गया दूसरा ट्रिक। अभी तीसरा ट्रिक आपको दिखाते हैं हम। तो आपने तो देखा कैसे वीडियो को आप स्किप करके जो है देख सकते हो, उसके बाद आप जो है स्किप करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा से शेयर बटन पे क्लिक करना होगा दोस्तों, और आप नीचे देख सकते हो स्टार्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऐसे क्लिक कर दूं मैं स्टार्ट टाइम पे तो ये 1 मिनट 50 सेकंड से शुरू होगा। तो उसको मैं जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं 1 मिनट 20 सेकंड से भी इसको शुरू कर सकता हूँ या फिर 1 के जगह जो सीधा 20 सेकंड से शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का आ जाएगा और आप जो है सिंपली यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हो ऐसे, और कॉपी करके जो है फेसबुक गूगल प्लस ट्विटर जहाँ पे भी आपको मन चाहे वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो सेम उसी टाइम के साथ, उसी टाइम स्किप के साथ जो है वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ये एक दूसरा अमेजिंग ट्रिक है वीडियो को दिखाने का, दूसरों को मतलब ज्यादा वीडियो नहीं दिखाने का। तो तीसरा ट्रिक यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप देख सकते हो आप वीडियो पे ऐसे जो कहीं से भी ले जा सकते हो, और कहीं पे ले जाके सिर्फ आपको वीडियो में जाके ऐसे जो है आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी वीडियो URL एट करंट टाइम। तो यहाँ पे से जो करंट टाइम जो यहाँ से जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, यहाँ से जो है वो वीडियो प्ले होगा या फिर कॉपी हो गया है, और आप जिसको भी वो लिंक जो है अभी शेयर करोगे तो यहाँ से ही जो है वो वीडियो मतलब वो बंदा प्ले करके देख पाएगा, इसकी आगे की वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसे करके भी जो है आप किसी को वीडियो दिखा सकते हो किसी भी स्पेसिफिक टाइम के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों एक और ट्रिक अभी आपको दिखाते हैं। ये ट्रिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे वीडियो शो कर रहे हैं हमें सजेशन पे, तो इन्होंने ये सब वीडियो जो हम को नहीं चाहिए फिर भी ये वीडियो जो सजेशन पे शो कर रहे हैं, तो हम कैसे इनको हटा के हमने जो चैनल सब्सक्राइब किया है अभी उसको कैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे उस वीडियोस को। तो यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप सीधा ऊपर जो यहाँ पे URL है www.youtube.com यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके लिखना है स्लैश लगा के लिखना है फीड feed, और उसके बाद फिर से स्लैश लगाना है और सब्सक्रिप्शन लिखना है SUBSCRIPTION यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिख के उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, आप अभी देखा थे तो हमने जो अभी चैनल जो हमने सब्सक्राइब किया था उन्हीं चैनल का वीडियो यहाँ पे शो होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मतलब ये दिखा रहा है कि हमने जो है अभी कोई सब्सक्रिप्शन यानी कि कोई जो चीज है उसको मतलब सब्सक्राइब नहीं किया किसी चैनल को रिसेंटली, यानी कि 2 या 3 दिन में किसी चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस वजह से जो यहाँ पे खाली दिखा रहा है, आप जिस भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो वहां पे ये जो है चीज दिखा देगा आपको।
तो आपने किन किन चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हीं चैनल का वीडियो यहाँ पे शो होगा। हमने अभी कुछ कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वजह से हमें कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है चीज है, आप देख सकते हो। अभी एक और ट्रिक हमने आपको दिखा दिया, एक और फीचर दिखाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इस वीडियो को एनालाइज कर सकते हो। यानी कि आप देख सकते हो ये वीडियो जो हमने अभी प्ले किया है तो ये कितनी स्पीड में जो है अभी वीडियो चल रहा है, वीडियो का आईडी वगैरह क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं या फिर देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है, राइट क्लिक करना है वीडियो पे जाके माउस को और स्टेटस फॉर नीड, यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करने पर यहाँ देख सकते हो एक विंडो खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस विंडो में कितना जो स्पीड है कम का कनेक्शन स्पीड हमारा कितना है, 1282 kbps। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना स्पीड पे हमने अभी वीडियो देखा। वीडियो का आईडी आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, वीडियो का मतलब पूरा डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, कितने टाइम का है, बफर हेल्थ यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो, मतलब वीडियो कितने स्पीड से चल रहा है, वीडियो का आईडी, कलर वगैरह आप देख सकते हो, वीडियो का साइज वॉल्यूम कितना है, तो आप वीडियो का डिटेल्स निकाल सकते हो यहाँ से इस तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, स्टेटस फॉर नीड पे क्लिक करना है, आके ऐसे राइट क्लिक करके स्टेटस फॉर नीड पे क्लिक करने के ये आप देख सकते हो वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों एक और ट्रिक अभी दिखाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप देखते हो आपने जब भी कोई वीडियो प्ले किया होगा उसमें काफी सारे आते ऐसे इंट्रो आते हैं कि सब्सक्राइब दिस चैनल, ये देख सकते हो ये इंट्रो जब आ रहा है पाकिस्तानी रिएक्ट, ये कुछ इस तरीके का जो इंट्रो है आप देख सकते हो पाकिस्तान रिएक्ट, ये लोग मतलब दूसरों के वीडियो, पाकिस्तान के जो लोग है वो दूसरों के वीडियो पे रिएक्ट देते हैं। तो इस तरीके के जो इंट्रोज वगैरह है आप कैसे इसको जो है अवॉइड कर सकते हो, उसको सिर्फ मतलब आप कैसे इन सारे चीजों को छोड़ के जो पूरा वीडियो देख सकते इंट्रो को स्किप करके वीडियो देख सकते हो, तो उसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे ऊपर आना होगा वीडियो के यूआरएल पे आपको आना होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखना होगा एंड, आपको यहाँ पे एंड लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा स्टार्ट START स्टार्ट इक्वल सिंबल बिठाना है, उसके बाद आपको देना है सिर्फ आप मान लो कि ये जो इंट्रो है ये 10 सेकंड का है तो आप इसको 10 ऐसे लिख दो और उसके बाद एंटर कर दो। तो ये आप देख सकते हो ये जो इंट्रो है ये कट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो जी हाँ दोस्तों। तो ये आप देख लो ये अभी इंट्रो जो है हट चुका है जो उन लोगों का कुछ पाकिस्तान के चैनल का था, ये देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इन्होंने रिएक्ट किया था इसके ऊपर पेंसप्टी सीरीज, तो ये आप देख सकते हो ये इंट्रो भी कट हो चुका है। तो हमने देखा आपने कि वो इंट्रो भी हट चुका है, तो आप इस तरीके से स्किप कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप देख सकते हो बार बार आ रहा है, काफी बड़ा इंट्रो है बट हमने 10 सेकंड को स्किप कर दिया। तो ऐसे आप जो है वीडियो के इंट्रो यानी कि सब्सक्राइब कीजिए इस बेल आइकन को और घंटे को दबाइए, ये सब जो चीजें थे वीडियो में पहले वो आप चीजें जो है अवॉइड कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दोस्तों एक और ट्रिक दिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आप इस वीडियो जो आप देख सकते हो अभी नेहा कक्कर और आतिफ असलम का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कोई जो है इस शो पे गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो वीडियो अभी प्ले हो रहा है इसको आप गिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी गिफ्ट तो आपको पता ही है जो छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट हो जाता है तो गिफ्ट यानी कि थोड़ा फनी टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप जो गिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब ये जो ऊपर यूआरएल दिख रहा है वीडियो का, इस यूआरएल के आगे जो https://www. ये है, इस चीज को आपको हटाना है यहाँ से। जी हाँ दोस्तों आपको इस चीज को हटा के सिर्फ यहाँ पे लिखना है GIF 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 आप जो भी बोलो उसको और उसके बाद एंटर कर दो, तो आपको कुछ इस तरीके से अभी आएगा। यहाँ पे अभी दिखा देते हैं हम आपको क्या आएगा, जो GIF वाला वेबसाइट है वो खुल जाएगा और आप जो है सीधा इस वीडियो को GIF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये आप देख सकते हो वेबसाइट खोल चुका है आपके सामने, लोड गिफ्ट फीचर। तो ये एक सीधा वेबसाइट यूट्यूब का ही है, आप यहाँ से सीधा जो है कोई भी वीडियो का गिफ्ट बना के शेयर कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो वेबसाइट खोल चुका है, गिफ्ट एडिटर या फिर गिफ्ट टाइटल जो भी बोलो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी सारे फीचर्स वगैरह है यहाँ पे, स्टिकर बना सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे ब्लर कर सकते हो, तो कलर कर सकते हो अपने हिसाब से, गिफ्ट बना सकते हो। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, ये आप देख सकते हो ऊपर वीडियो का टाइटल आ चुका है आतिफ असलम नेहा कक्कर लाइव इन हस्टन 2018। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको पूरा एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के आपको यहाँ पे जो है आप यहाँ पे गिफ्ट बना सकते हो। ये कुछ इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट
यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी वीडियो को आपको गिफ्ट बनाना है सिर्फ उसका https://www. को हटा देना है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिर्फ उसके आगे गिफ्ट लिख देना है। तो आप देख सकते हो क्रिएट योर गिफ्ट, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आके गिफ्ट बना सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आप कोई भी वीडियो का गिफ्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों एक और ट्रिक यहाँ पे देखा था अभी, आप ये आप देख सकते हो वीडियो जब हमने प्ले किया तो ये जो वीडियो अभी देख सकते हो, तो ये जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है YouTube जो PC स्टाइल में खुला है, यानी कि जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जैसे YouTube कुछ इस तरीके से ओपन होता है। तो आपने तो अभी सुना होगा कि स्मार्ट टीवी का जमाना है और स्मार्ट टीवी में भी आप YouTube वगैरह जो है देख सकते हो। तो वो आप कैसे देखोगे, स्मार्ट टीवी में टीवी मतलब YouTube कैसे चलता है उस इंटरफेस में आप कैसे देखोगे, YouTube जो टीवी फॉर्मेट में काम करेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, ऊपर जो आप YouTube का URL देख रहे हो www.youtube.com, यहाँ पे आपको जाना है और आपको यहाँ पे स्लैश लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको टीवी, सिर्फ टीवी लेके एंटर दबा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो क्या होगा अभी, अब सेम चीज जो है मोबाइल पे भी गूगल क्रोम ब्राउजर पे डेस्कटॉप मोड में जाके कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो अभी यूट्यूब जो है टीवी के फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो वेलकम टू साइन इन योर बेस्ट यूट्यूब एक्सपीरियंस, तो ये हमें बोल रहा है अभी साइन इन करने को, तो हम अभी इसको नोट नाउ कर देते। आप देखो स्मार्ट टीवी जो है उसमें यूट्यूब कुछ इस तरीके से प्ले होता है, रिकमेंडेड लिस्ट म्यूजिक एंटरटेनमेंट गेमिंग, तो यहाँ पे कुछ देखते हो होम, तो इस तरीके से जो कुछ स्मार्ट टीवी में यूट्यूब कुछ किस तरीके से दिखता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक साउंड भी आ रहा है टिक टिक करके, तो मतलब टीवी पे जो साउंड होता है, तो ये आप रिमोट से इसको मतलब चैनल को ऊपर नीचे करते हो तो टिक टिक साउंड होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये टिक टिक साउंड हो रहा है। तो ये देखो टीवी फॉर्मेट में आप YouTube को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपने अभी दिखाया हमने आपको। दोस्तों अगला जो ट्रिक है वो कि आपने से काफी सारे लोगों को ये शिकायत रहता है कि आप जो है नो कॉपीराइट म्यूजिक कैसे ढूंढे, काफी से बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो कैसे ढूंढे, YouTube का ही कैसे आप जो है म्यूजिक यूज कर पाए ताकि YouTube आपको कोई मतलब स्ट्राइक वगैरह नहीं लगाए म्यूजिक के लिए या फिर कोई दिक्कत ना आए आपको, वो आप कैसे करें। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, YouTube ने ही आपको काफी सारे म्यूजिक दे रखा है बहुत ही अच्छे अच्छे। तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, आपको YouTube के वीडियो मैनेजर पे आना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो वीडियो मैनेजर, तो यहाँ पे वीडियो मैनेजर पे आने के बाद आपको सीधा यहाँ पे नीचे क्रिएट का जो लोगो है यहाँ पे आपको आके ये क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने पर आपको जो है एक सीधा सीधा देख सकते हो ऑडियो लाइब्रेरी, YouTube का जो ऑडियो लाइब्रेरी सेक्शन है वहां पे YouTube आपको ले जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो काफी सारे सॉन्ग्स है जो YouTube ने खुद प्रोवाइड किया आपको उनके वीडियोस में यूज करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो ये सॉन्ग्स है, आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो डाउनलोड यहाँ पे आप जो है इनको कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है। काफी नए एकदम न्यू सब अब सॉन्ग्स देख सकते हो यहाँ पे, एकदम नए सॉन्ग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप कुछ तरीके से यूट्यूब से जो है गाना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी फ्री म्यूजिक यहाँ पे दिखा रहा है, ये साउंड इफेक्ट भी है। आप अगर आपको साउंड इफेक्ट चाहिए मतलब जो डोर इफेक्ट, मतलब आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो उसपे आपको काफी सारे साउंड के इफेक्ट चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे जाके सीधा जो है यहाँ पे ले सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह है 3 सेकंड 17 सेकंड 20 सेकंड का, तो आप इनको भी यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। हॉरर साउंड है, तो काफी सारे जो साउंड वगैरह आप देख सकते हो, टैंक लीक शो ये सब वगैरह जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो दूसरा ट्रिक है दोस्तों वो आपको दिखा दो कि आप वीडियो को कैसे फास्ट फॉरवर्ड में ले जा सोचो कि मैं वीडियो को पहले यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से प्ले करूंगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है आपको, यहाँ पे ये जो सेटिंग्स का सैंपल इस पे जाना है, स्पीड अप पे जाना है, नॉर्मल पे है। तो अगर आप ये एकदम मतलब स्लो कर देगा वीडियो को 0.25 0.5 0.75, ये जो है वीडियो को स्लो मोड में दिखाएगा, और आपको वीडियो में फास्ट मोड में दिखाना है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाना है। तो आप जो है नीचे यहाँ पे जो है 1.25 1.5 1.22 मतलब 2 पॉइंट इस तरीके से जो आप इसको स्पीड अप कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कुछ इस तरीके से अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये वीडियो अभी स्लोली प्ले होगा। तो ये आप देख सकते हो वीडियो काफी स्लो प्ले हो रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो वीडियो काफी स्लो प्ले हो रहा है। अभी मैं अगर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में मूड में कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सोचो मैं 1.5 कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वीडियो काफी प्ले जल्दी जल्दी प्ले हो रहा है, ये देख सकते हो वीडियो काफी जल्दी जल्दी यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो ये एक सिस्टम आप देख सकते हो यूट्यूब ने खुद ही दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। मैं वीडियो को थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो अभी, तो ये आप देख सकते हो वीडियो काफी जल्दी, तो ये आपने देखा अभी कि वीडियो काफी जल्दी से जो है प्ले हो गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आपने अभी देखा यहाँ पे। अब इनको नॉर्मली रखें, अगर आप वीडियो को स्लो या फिर फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखना चाहते हो तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो दोस्तों एक और ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप मतलब पता सकते हो, वीडियो को सिनेमा मूड में भी देख सकते हो। तो ये है कि यहाँ पे हम अभी ट्रिक दिखाने, तो ये जो आप सैंपल देख रहे हो यहाँ पे सिनेमा मूड, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हो वीडियो जो अभी सिनेमा मूड में आ चुका है। जब आप यूट्यूब पे वीडियो जो है मूवी वगैरह जैसे देखते हो तो कुछ इस तरीके से जो अभी आ चुका है। वीडियो का इंटरफेस आप देख सकते हो कुछ नीचे आ गया, ये सब कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिस्टम पे आ चुका है। तो ये एक और ट्रिक हमने आपको दिखा दिया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपने अभी देखा कि किस तरीके से। तो ये कुछ यूट्यूब के ट्रिक्स थे जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, अपने मोबाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और काफी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स आते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू।